हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय दीपेन सिंह में। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ ज्योमेट्री के 10 बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस जो आने वाले मेंस 2019 के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, कह रहा है कि ए बी सी इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 है। ए सेमी सर्कल इज़ ड्रॉन, इसके अंदर हमने एक सेमी सर्कल बनाया एज शोन इन द फिगर, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सेमी सर्कल इफ़ ए बी इज इक्वल टू 15। हमें उसकी रेडियस बतानी है, अगर ए बी 15 है, बी सी 20 है और ए सी कितना है मेरे पास 25 है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इसका बेसिक की बेसिक क्या है। ठीक, बेसिक क्या है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें और इसकी अगर ये सेमी सर्कल है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो मान लिया ये इसका सेंटर है, सेंटर से लेकर के सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस। और क्योंकि ये साइड को टच कर रहा है तो जो रेडियस है वो टेंजेंट हो जाएगी। तो अगर हम इसको आर मान लेते हैं तो ये भी तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रेडियस हो जाएगी, सर्कल के सेंटर से लेकर के सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस। तो ये भी क्या हो गया, स्मॉल आर हो गया। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, अब अगर ये टोटल अपने पास कैपिटल 15 है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कितना है अपने पास 15 है और ये अपने पास स्मॉल आर है, तो ये कितना हो गया मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 15 माइनस आर, है ना, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कितना हो गया मेरे पास 15 माइनस आर। अब अगर मैं इसको कुछ नाम देता हूँ, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ ओ और यहाँ पर बोलता हूँ डी, तो आप देखोगे कि यहाँ पर 90 है इस छोटे ट्राइंगल में, तो बड़े ट्राइंगल में भी 90 है, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन हो गया। ठीक है, तो इसका एंगल अगर ये थीटा होगा तो इसका ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। मतलब मैं लिख सकता हूं कि ट्राइंगल ए ओ डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी। किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल ए सी बी के। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए सिमिलर, कौन सी प्रॉपर्टी से सिमिलर हो गए, ये हो गए ट्रिपल ए से, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर हो गए, ये हो गए ट्रिपल ए से। तीनों एंगल दो ट्राइंगल के बराबर है तो ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब अगर हम इनमें सिमिलरिटी लगा दें तो अगर आप देखोगे कि कॉमन एंगल के सामने छोटे वाले ट्राइंगल में स्मॉल आर है तो बड़े वाले ट्राइंगल में कितना है 20 है, आर बटे 20 बराबर 90 के सामने छोटे वाले में कितना है, 90 के सामने है 15 माइनस आर, तो बड़े वाले ट्राइंगल में 90 के सामने कितना है 25 है, यहाँ पर लिख देंगे हम 25। 5 से कट जाएगा 4 बार, 5 से कट जाएगा 5 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 5 आर इज इक्वल टू 60 माइनस 4 आर, यह आ जाएगा 9 आर इज इक्वल टू 60। तो आर बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 60/9, इसका मतलब है 20/3। ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी अपने पास, इसकी रेडियस आ जाएगी अपने पास 20/3 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा मेरा इस सवाल का आंसर। ठीक है, लेकिन हम इसको एग्ज़ाम में एक और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल कम टाइम लगाते हुए। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम में हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक, तो मैं इस डायग्राम को बनाता हूँ, ये जो यहाँ पर बना था इसको मैं फिर से बना देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल था ए बी और सी, यहाँ पर ये 90 है। हम क्या करेंगे, यहाँ हमें एक सेमी सर्कल बनाया था, इस तरीके से एक सेमी सर्कल बनाया गया। ठीक है, हमने इसको बेसिक से देखा, इस तरीके से सॉल्व करना है। ये अपने को कितना दिया था, ये दिया था 15, ये अपने को दिया था 25 और ये अपने को दिया था 20। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी इसको इस तरीके से एक और राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगे जिसकी साइड डायमेंशन यही रहेंगे। डायमेंशन यही रहेगा मतलब ये अगर 25 हो तो ये भी 25 होगा और अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा 20 होगा। ठीक है, ये 90 यहाँ पर भी हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, ये जो सर्कल है ये पूरा सर्कल बन जाएगा, ये जो सेमी सर्कल था ये पूरा सर्कल इस तरीके से बन जाएगा। अब ये एक ट्राइंगल के अंदर बन गया सर्कल, इसको हम कहते हैं इन सर्कल, है ना। ऐसा सर्कल जो किसी ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करता है उसको हम कहते हैं इन सर्कल। और इन सर्कल की रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एस मतलब क्या हो गया, सेमी पैरामीटर। ठीक है, सेमी पैरामीटर। तो अब अगर हमें इसकी रेडियस निकालनी है, अब देखो कितना आसान हो जाएगा, आर बराबर डेल्टा। तो या तो इसको आप इसमें आप हीरो का फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर आपको पता है किसी भी ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो बेस अगर आप देखोगे तो 40 है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 40 हो गया, और हाइट देखोगे तो कितनी है 15 है। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट
डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम होता है। तो 25 और 25, 50, 40, 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा? 45। तो हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पर। 15 से ये 3 बार कट गया, 2 से ये 20 बार कट गया, तो रेडियस अपने पास कितनी आ गई? रेडियस आ गई अपने पास 20/3 सेंटीमीटर। ये सवाल को एग्ज़ाम में करने का तरीका हो गया। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना था आपको। अगर जिधर जितना राइट एंगल ट्रायंगल इधर बना था, उतना ही राइट एंगल ट्रायंगल हमें लेफ्ट हैंड साइड में बना देता ना, तो हमारा सवाल जल्दी सॉल्व हो जाता। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज ओ, सी डी इज ए कॉर्ड विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, ए सी एंड बी डी आर एक्सटेंडेड सो दैट दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए पी बी। तो हमें क्या बोला गया है कि ए बी एक डायमीटर है किसी सर्कल का जिसका सेंटर ओ है, सी डी एक कॉर्ड मतलब जीवा है जो कि त्रिज्या के बराबर है, जिसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर है। फिर ए सी और बी डी को आगे की तरफ बढ़ाया गया जो एक दूसरे को मिलते हैं बिंदु पी पर, तो हमें बताना है कि कोण ए पी बी कितना होगा। ठीक है, तो आपको सवाल समझ में आया। मैं बताता हूँ इसको कि इसका बेसिक क्या है, फिर हम देखेंगे कि हम एग्ज़ाम में कैसे कर सकते थे इस सवाल को जल्दी, मतलब कौन से स्टेप हम इसको जल्दी कर सकते थे। ठीक है, सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल का एक डायमीटर है, ठीक है, ये डायमीटर मान लिया, ए बी एक डायमीटर हो गया इसका, इसका सेंटर हम ओ मान लेते हैं और इसकी एक कॉर्ड दे रखी है, तो ये कॉर्ड हो गया अपने पास सी डी। ठीक है, सी डी एक कॉर्ड है। फिर कह रहा है कि हमने ए सी इसको आगे बढ़ा दिया और बी डी इसको आगे बढ़ा दिया, ए सी और बी डी को हमने आगे बढ़ा दिया, जो एक दूसरे को कहाँ पर मिल रहे हैं? पॉइंट पी पर मिल रहे हैं। जो एक दूसरे को कहाँ पर मिल रहे हैं? पॉइंट पी पर मिल रहे हैं। तो हमें ये वाला एंगल बताना है कितना होगा। ठीक है, ये एंगल पी बताना है हमें, ये कितना होगा। अब कंडीशन इसमें यह है कि ये जो सी डी है वो रेडियस के बराबर है, जो सी डी है अपनी वो रेडियस के बराबर है। ठीक है, मतलब अगर ये आर है रेडियस, ये आर है, ये भी आर हो जाएगी सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस तक डिस्टेंस, और ये हमें दे रखा है सवाल ने कि ये क्या है, जो सी डी है वो रेडियस के बराबर है। तो आप देखोगे कि अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल कैसा बन गया, ये सी ओ डी ट्रायंगल बन गया अपना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों साइड बराबर अगर होती है तो तीनों एंगल बराबर होते हैं। तो ये एंगल मुझे कितना मिल जाएगा? 60 मिल जाएगा। ये वाला एंगल कितना मिल गया मुझे? 60। ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? अगर आप देखोगे इस ट्रायंगल में ए ओ सी में, तो ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं, तो इस साइड के सामने वाला ये एंगल अगर थीटा है, तो इस साइड के सामने वाला ये एंगल भी क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। फिर इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये साइड किसके बराबर है? इसके बराबर है। इस साइड के सामने वाला ये एंगल थीटा और इस साइड के सामने वाला ये एंगल थीटा, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? आप कह दोगे सर 180 होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर इस ट्रायंगल एओसी की बात करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला एंगल निकालते हैं, तो अगर ये थीटा थीटा 2 थीटा हो गया, तो 180 में से अगर 2 थीटा को घटा देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा मुझे 180 माइनस 2 थीटा। उसी तरीके से अगर हम ये वाला एंगल निकालें यहाँ वाला, तो ये थीटा थीटा अल्फा मान लेते हैं ना, ये एंगल बराबर तो होंगे नहीं, ये अल्फा मान लेते हैं इनको। ठीक है, इन एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, जो हमने थीटा मान लिए वो सारे तो इक्वल होंगे नहीं, ये हो जाएगा अल्फा और ये भी कितना हो जाएगा? अल्फा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा? 180 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, थीटा थीटा तो होंगे नहीं, ये कितने हो जाएंगे? ये अल्फा हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा मेरा? अल्फा हो जाएगा। अब आपको पता है कि अगर ए बी डायमीटर है तो स्ट्रेट लाइन होगी, और एक स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बना लो आप, उन सब का सम हमेशा क्या होता है? 180 होता है। तो आप लिख सकते हो कि x प्लस वाई बराबर कितना होगा? 180 होगा। तो ए बी डायमीटर है तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, तो मैं लिख सकता हूँ कि 180 माइनस 2 थीटा प्लस 60 प्लस 180 माइनस 2 अल्फा बराबर कितना आएगा? 180 आएगा। 180 से कोई भी 180 काट दो तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर 240। तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे थीटा प्लस अल्फा बराबर 120। आपको कि सर हमें तो थीटा प्लस अल्फा मिला, हमें तो एंगल पी निकालना था। तो अगर आप ट्रायंगल ए पी बी में देखो, ए पी बी में देखो, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो? यहाँ से लिख सकते हो कि इसके तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। मतलब इसके तीनों इंटीरियर एंगल मतलब थीटा
प्लस एल्फा प्लस पी बराबर कितना 180, थीटा प्लस एल्फा अपने पास कितना है 120 है, तो 120 प्लस पी बराबर 180, तो यहाँ से हमें पी मिल जाएगा कितना 60 डिग्री। तो आंसर हो गया इस सवाल का कितना 60 डिग्री। ठीक है, लेकिन हम इसको एग्ज़ाम में जल्दी कर सकते हैं, इतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है। क्या कर सकते हैं हम इसको, देखो एग्ज़ाम में, हालांकि इसको करने के एक दो और तरीके हैं, एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए यहाँ से, आपको अगर ये चीज़ पता है कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, और यहाँ से हमने इस तरीके से दो सीकेंट खींची, ठीक, और ये किसी पॉइंट पर जा करके मिल रही हैं, ठीक है, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, इसको मैं सी बोल देता हूँ, और इसको मैं डी बोल देता हूँ। ठीक है, ये मान लो सर्कल का सेंटर है। अगर मैं इसको सर्कल के सेंटर से मिलाऊं, इसको सर्कल के सेंटर से मिलाऊं, इसको भी मिला दूं सर्कल के सेंटर से, और इसको भी मिला दूं, चारों पॉइंट को मैंने सर्कल के सेंटर से मिला दिया। अगर ये एंगल एक्स है और ये एंगल वाई है, ये एक्स और वाई अगर आपको पता है, ये एंगल आपसे पूछा है, तो ये क्या होता है मेरा हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्स माइनस वाई, हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो अगर आपको ये पता था तो इस सवाल को आप फटाफट सॉल्व कर सकते थे। अब देखो यहाँ पर ये ए और बी स्ट्रेट लाइन नहीं थे, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक्स हमें कितना दे रखा है 180 दे रखा है। ठीक है, सवाल की अगर वाई का बात करें, और वाई अपने पास कितना है, ये कितना है मेरा 60 डिग्री है, तो वाई मेरा कितना हो गया 60 हो गया। तो ये एंगल हमसे पूछा था, तो ये कितना हो जाता हाफ ऑफ 180 माइनस 60 कितना आ जाएगा 120, 120 का मतलब कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, तो हम सीधा आंसर लगा सकते थे कि आंसर कितना आ जाएगा मेरा 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये पता होता तो। और कैसे कर सकते हैं हम इस सवाल को, एक और तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का। देखो अगर मैं एक और तरीका बताऊँ इस सवाल को सॉल्व करने का, ये हो गया एग्ज़ाम में करने का तरीका नंबर एक, और ये हो गया एग्ज़ाम में करने का तरीका नंबर दो। ठीक है, जैसे ये सवाल था अपने पास कि इसका डायमीटर है ये एक कॉर्ड है, और ये हमने आगे बढ़ाया, और ये भी हमने आगे बढ़ाई, ठीक है, ये दोनों हमने आगे बढ़ाए, और ये कहाँ पर मिल रहे हैं, किसी पॉइंट पी पर मिल रहे हैं। तो ये अगर सर्कल का सेंटर है, इसको हम इससे मिला रहे हैं, इसको हम इससे मिला रहे हैं, ठीक है, ये अगर सी है, ये डी है, ये ए है, ये बी है, अगर हम इसको इससे मिला रहे हैं, तो ये जो होगा ये हमेशा इस ट्राइंगल का, अगर हम बात करते हैं पी सी और डी, इस ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ये जो चीज़ होगी, ये इस ट्राइंगल का, कौन से ट्राइंगल का, ट्राइंगल पी सी डी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा जो हमने मिलाया है। और आपको पता है भी, किसी भी ट्राइंगल का अगर आप एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचते हो, किसी भी ट्राइंगल का आप एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचते हो, अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है और आपने एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा और जहाँ पर वो मिल रहे हैं, तो अगर हम इस थीटा की बात करते हैं, तो होता है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए बाई टू, है ना, जो रिमेनिंग एंगल बच जाता है उसका आधा हो जाता है। तो हमें पता है कि ये एंगल कितना था मेरा 60 था, ठीक, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरा, ये कितना होना चाहिए 90 में से इसका आधा घटा होगा, 90 में से इसका आधा घटा होगा, इसका मतलब अगर ये 60 है तो ये कितना होना चाहिए मेरा, ये भी 60 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब 90 में से 60 का आधा घटाएंगे तो 30, तो ये कितना बचेगा 60 बचेगा। तो यहाँ से भी हम क्या ले सकते हैं कि एंगल पी बराबर कितना है मेरा 60 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सवाल को एग्ज़ाम में कर सकते थे। ये दोनों तरीके, अगर ये आता है तो अच्छी बात है, अगर ये आता है तो भी अच्छी बात है, बहुत जल्दी हो जाता है फिर, क्योंकि हमें पता है कि ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जो कि कितना होता है 90 माइनस इसका आधा, है ना, तो ये कितना होगा 60 होगा, जब जब ये 60 होगा तो ये 60 का आधा कितना होगा 30, और 90 में से हम 30 घटाएंगे तभी ये कितना बचेगा 60 बचेगा। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास 60 हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते थे, या फिर आप इस सवाल को इस तरीके से कर सकते थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल भी बहुत बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया, ए बी बराबर 12 है, बी सी बराबर 9 है, ए सी बराबर 15 है, सी डी बराबर 8 है, और दो सर्कल इस तरीके से बनाए गए हैं, तो हमें बताना है कि पी क्यू, पी क्यू की लेंथ क्या होगी, मतलब इनकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, है ना, ये पी क्यू की हमें लेंथ बतानी है। ठीक, तो
इस सवाल को करते हैं सॉल्व। ठीक है, अब देखो इस सवाल को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। पहले मैं आपको डिस्कस करता हूँ इसका बेसिक, पहले मैं डिस्कस करता हूँ इसका बेसिक। ठीक है, अच्छा इस सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए, है ना, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा कर लिया जाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब ठीक है, तो अगर हम इसका बेसिक देखें तो बेसिक क्या होगा, पहले हम बेसिक देखते हैं और फिर डिस्कस करेंगे कि हमें एग्ज़ाम में कैसे करना है इस सवाल को। ठीक है, तो इसका बेसिक क्या है, आपको एक चीज़ पता होगी कि किसी सर्कल पर अगर हम एक पॉइंट से दो टेंजेंट खींचते हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये एक पॉइंट P है, यहाँ से आपने किसी सर्कल की दो टेंजेंट खींची तो दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, ये अगर आपको पता है तो फिर आप ये सवाल आराम से कर लोगे। देखो ये जो सर्कल है छोटा वाला, ये इस क्वाड्रिलेटरल की साइड AB को टच कर रहा है ना, और मतलब टेंजेंट है, और ये इस साइड पर भी टेंजेंट है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेरा एक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्स है, तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों टेंजेंट इक्वल है, दोनों टेंजेंट है, ये एक्स है, ये एक्स है। तो अगर ये टोटल 9 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 9 है, तो ये कितना बचेगा मेरा, ये बच जाएगा मेरा 9 माइनस एक्स, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बहुत ध्यान समझना। अब आप देखोगे तो ये भी तो इसकी टेंजेंट है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास, 9 हो जाएगा। क्या 9 हो जाएगा, 9 माइनस एक्स हो जाएगा, P से लेकर के C तक कितना हो जाएगा मेरे पास, 9 माइनस एक्स हो जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 9 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी, 9 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि सर ये भी तो टेंजेंट है, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, एक है 9 ये वाली और एक है ये CP। ठीक है, अब अगर ये टोटल, अगर ये टोटल हमने x माना इसको, ये 9 माइनस एक्स हो गया, ये भी 9 माइनस एक्स हो गया, तो यहाँ से अगर ये टोटल x 12 है, यहाँ से यहाँ तक टोटल अगर ये 12 है और ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस एक्स, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 12 माइनस एक्स। अब आप देखोगे तो इस पॉइंट से भी आपने दो टेंजेंट खींच रखी है, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा, 12 माइनस एक्स। मतलब AP भी कितना हो गया मेरे पास, AP हो गया 12 माइनस एक्स। ठीक है, पहले हम इसका बेसिक डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं AC लिखूं, यहाँ से मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर मैं AC लिखूं A से लेके C तक, अभी हमें कितना मिला, देखो AC बराबर AP प्लस PC हो जाएगा, AC बराबर AP प्लस PC हो जाएगा। AP कितना है अपने पास, AP है अपने पास देखो 12 माइनस एक्स, और PC अपने पास कितना है, 9 माइनस एक्स। तो AC यहाँ से मिल गया मुझे कितना, 12 और 9 21 माइनस 2x, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर एक। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर एक। अब इसके बाद अगर मैं देखूं, अब अगर इस ट्रायंगल में देखो आप CAD में, तो ये भी एक इन सर्कल है, तो अगर मैं इसको y मानता हूँ, ये y मानता हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्यों, क्योंकि सर ये टेंजेंट है, यहाँ से दो टेंजेंट खींच गई, अगर ये y है तो ये भी y हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब अगर टोटल ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 8 माइनस वाई, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ध्यान समझना बिल्कुल। ठीक है, अब आप देखोगे तो ये भी एक टेंजेंट है, छोटी सी ये वाली टेंजेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो अगर ये 8 माइनस वाई है तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा, 8 माइनस वाई, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो हमें क्यू सी मिल गया कितना, 8 माइनस वाई। अब अगर एक टोटल 15 है, ठीक है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक अगर टोटल 15 है और ये y है, तो ये कितना हो गया, 15 माइनस वाई, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। अगर ये 15 माइनस वाई है तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा, 15 माइनस वाई, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। इसका मतलब है AQ अपने पास आ गया कितना, 15 माइनस वाई आ गया। AQ कितना आ गया, 15 माइनस वाई, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ, इस वाले ट्राइंगल से लिखूँ, तो अब यहाँ से हमें AC की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से AC लिख सकता हूँ मैं, AQ प्लस QC लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकता हूँ। तो AQ कितना है अपने पास, AQ है अपने पास 15 माइनस वाई, और QC अपने पास कितना है, QC है 8 माइनस वाई।
तो ये कितना आ जाएगा, 15 8 23 23 माइनस 2y। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 23 माइनस 2y। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों ए सी की वैल्यू है तो दोनों बराबर होंगी, इक्वेशन 1 और 2 आपस में बराबर हैं तो हम बराबर कर देते हैं। तो हो जाएगा 21 माइनस 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 23 माइनस 2y। तो किसी को भी कहीं फेंक दो, 21 में से 23 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, और इसको अगर उधर फेंकेंगे और 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, माइनस 1। तो y माइनस x कितना आ जाएगा अपने पास, 1 आ जाएगा। ये अपने काम की चीज़ होगी आगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो और आगे क्या कर सकते हैं हम इसमें। अगर मैं देखूँ अभी तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पी क्यू। तो आप ध्यान से समझना पी क्यू क्या होगा। अगर मैं पी क्यू को लिखना चाहता हूँ तो पी क्यू कब आएगा, जब हम ए क्यू में से ए पी घटा देंगे तो हमें पी क्यू मिल जाएगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ए क्यू में से जब हम ए पी घटा देंगे तो हमें पी क्यू मिल जाएगा। ए क्यू कितना है अपने पास, ए क्यू है 15 माइनस वाई, और ए पी अपने पास कितना है, ए पी है अपने पास 12 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें पी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, ये आ जाएगा 15 माइनस वाई माइनस 12 प्लस कितना x। तो पी क्यू कितना हो गया, यहाँ से पी क्यू हो गया 15 में से 12 गया 3, और यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि y माइनस एक्स अपने पास कितना है, 1 है। तो पी क्यू बराबर कितना आ गया, 3 माइनस y माइनस एक्स कितना होता है, 1 होता है। तो पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, 2 आ जाएगा। तो ये इस सवाल का क्या है, सही आंसर है। ठीक है, ये इस सवाल का क्या है, सही आंसर है। लेकिन हमें एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना है, हमें एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना है। देखो कैसे करेंगे हम इस सवाल को एग्ज़ाम में। ठीक है, इतना टाइम अपने पास होगा नहीं एग्ज़ाम में। तो हम एग्ज़ाम में अगर सवाल को करें तो अगर ये क्वाड्रिलेटरल था इस तरीके से, और ये इसका डायगोनल था, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं, ए बी सी और डी। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर एक सर्कल बनाया गया इस तरीके से जो इसकी साइड को टच कर रहा है, मतलब इस ट्राइंगल का इन सर्कल हो गया और इस ट्राइंगल का इन सर्कल हो गया, दोनों ट्राइंगल का हमने इन सर्कल बनाया, यहाँ पर P था और यहाँ पर Q है, तो जो पी क्यू की वैल्यू होती है, पी क्यू की वैल्यू होती है वो होती है ए प्लस बी डिफरेंस सी प्लस डी बाय टू। ए प्लस बी डिफरेंस सी प्लस डी बाय टू मतलब अपोजिट साइड का सम करो, उनका डिफरेंस लो और आधा कर दो। तो हमसे वही पूछा गया था, देखो यहाँ पर पी क्यू ही पूछा गया था। अब हम देखो इसको कितने जल्दी कर सकते थे। तो पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, अपोजिट साइड 15 और 9 कितना हो गया, 24। ठीक है, माइनस डिफरेंस है, बड़े में छोटा कटाना है, 12 और 8 20, बटे में कितना 2, तो 24 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 24 में से 20 जाएगा 4 बचेगा, 4 का आधा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 2 आ गई। ठीक है, तो ये सवाल को सॉल्व करने का तरीका था। हमें एग्ज़ाम में ये चीज़ याद रखनी है, इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है ताकि हमें ये याद हो जाए। ठीक है, तो ये सवाल को सॉल्व करने का तरीका था एग्ज़ाम में, बाकी आपने बेसिक देखा कि बेसिक भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि इन ए ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल ए इज 20 डिग्री, एंगल सी इज 70। तो बी 90 है, ए 20 है और सी कितना है, 70 है। ए पी एंड क्यू सी, ए पी एंड क्यू सी, तो ये क्यू हो जाएगा ना, क्यू सी आर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड सी। ठीक है, अंताकोण समद्विभाजक है, आई इज द इन सेंटर, आई इन सेंटर है तो आई इन सेंटर है, कोई दिक्कत नहीं है, आई इज द इन सेंटर। इफ़ बी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, अगर बी क्यू अपने पास 3 सेंटीमीटर है, बी पी अपने पास 4 सेंटीमीटर है, तो बताओ बी आई क्या होगा, हमें ये बी आई पूछा है। ठीक है, तो मैं इस डायग्राम को भी थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि हम अच्छे समझ पाएँ। ठीक है, इस सवाल को देखो, अब आप मुझे बताओ कि अगर ये टोटल एंगल ए 20 है और ये एंगल बाइसेक्टर है तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा अपने पास, 10 हो जाएगा। ठीक है,
अगर ये पूरा एंगल 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा अपने पास, 35 हो जाएगा, ठीक है, 35 35। अब आप देखोगे तो ये एक्सटीरियर एंगल है कौन से वाले ट्राइंगल का, ए पी और सी का, ठीक है। हम पहले बेसिक देख रहे हैं, फिर देखेंगे एग्जाम में आपको क्या करना है, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे ए पी और सी, ये एक्सटीरियर एंगल है, क्या होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये पूरा एंगल कितना है, 70 है, और ये कितना है, 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और अगर ये 80 है, ठीक है, ये 80 है अपने पास, अगर ये 80 है और ये अगर इन सेंटर है, तो इन सेंटर को सामने वाले वर्टेक्स से मिलाओगे तो एंगल बाइसेक्टर ही बनेगा, तो मतलब ये 45 होगा, और ये भी कितना हो जाएगा मेरा, 45 हो जाएगा। अब अगर ये 45 है, ये 80 है अपने पास, ये 45 ये 80, तो कितना बच जाएगा, ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो ये आ जाएगा 55, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इस वाले ट्राइंगल में देखोगे तो ये भी एक्सटीरियर है, कौन से वाले ट्राइंगल का, ए सी और क्यू का, है ना, ये क्या था मेरा, क्यू था, ए सी और क्यू का, ठीक है। तो अगर ये टोटल एंगल कितना है, तो आप कहोगे सर 20 है, ये कितना है, ये 20 है, ये कितना है, 35 है, तो ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अगर ये 55 ये 45, तो ये कितना बच जाएगा, ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180, तो ये कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब आप देखो, एक ट्राइंगल है बी क्यू आई और एक ट्राइंगल है अपने पास बी आई पी, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, ये दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर, ठीक है, दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। हमें क्या निकालना है, बी आई निकालना है, तो इस वाले ट्राइंगल में हम 55 के सामने वाली साइड देखते हैं, 55 के सामने वाली साइड कितनी है, बी आई। तो इस ट्राइंगल में 55 के सामने क्या है, इस ट्राइंगल में 55 के सामने है बी पी, बराबर कितना हो जाएगा, इस ट्राइंगल में हम देखें तो 80 के सामने कितना है बी क्यू, और इसमें 80 के सामने कितना है बी आई। तो हम यहाँ से ले सकते हैं कि बी आई का स्क्वायर बराबर बी पी इंटू बी क्यू, तो बी आई तो हमें निकालना है, और बी पी अपने पास कितना है, बी पी अपने पास 4 है, और बी क्यू अपने पास कितना है, 3 है, तो बी आई कितना हो जाएगा, √2√3 आ जाएगा, ये सवाल क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो ये इसका बेसिक था, सिमिलरिटी वगैरह लगा करके हमने इसको सॉल्व किया। आपको क्या याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, देखो हम इसको सवाल को एग्ज़ाम में कैसे करेंगे, अगर ये एक ट्राइंगल है, कोई सा भी ट्राइंगल हो, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर बी ए और सी, ये 90 है, ठीक है, ये 90 है, यहाँ से हमने एक एंगल बाइसेक्टर खींचा, और यहाँ से हमने एक एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये पी और ये क्यू था, ठीक है, और हमसे इसकी वैल्यू पूछी जाए, इसकी वैल्यू पूछी जाए, आई इन सेंटर हो, अगर ये ए है, ये बी है, ये एक्स है, तो याद रखना कि एक्स बराबर होता है रूट के अंदर ए बी, ठीक है, एक्स बराबर क्या होता है, रूट के अंदर ए बी, कैसे होता है वो मैंने आपको समझा दिया। तो हमें ये दिया था, ये कितना था अपने पास 3, ये कितना था 4, तो हमें सिमिलरिटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमसे बी आई पूछा था, तो हम सीधा लिखते रूट के अंदर कितना, रूट के अंदर कितना, 3 × 4, मतलब आंसर कितना आ जाएगा अपना, 2√3, ठीक है। तो हम एग्ज़ाम में सिर्फ सवाल को इतना सा ही करना है, तो आपको याद रखना, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आने वाले मेंस में आपको ये मिल सकता है, ठीक। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 5 कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस, दोनों सर्कल की रेडियस इक्वल है, तो बताना है कि दोनों में से हर एक की रेडियस क्या होगी। हालांकि ये दोनों सर्कल देखने में एक जैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये दोनों की रेडियस सवाल कह रहा है बराबर है, तो बराबर है, ठीक है, मान लेंगे हम, ठीक। अब देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, थोड़ा सा इस डायग्राम को भी हम बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, ताकि अपने को अच्छे से समझ में आए, ठीक, या मुझे इस सवाल को समझाने के लिए इस तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 15 है, 20 है, 25 है, फिर हमें दोनों सर्कल की रेडियस बतानी है कितनी होगी। तो पहले हम इसका बेसिक डिस्कस करते हैं, ठीक है, पहले हम देखते हैं इसका बेसिक, ठीक है। उसके लिए मैं बनाता हूँ एक ट्राइंगल, उसके लिए बनाता हूँ एक ट्राइंगल, ठीक, एक सुंदर सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ।
ये इस तरीके का बनाया था, लेकिन हम इसको समझने के लिए क्या करेंगे, इस तरीके का ना बना करके हमें इसको समझने के लिए बेसिक से अगर करना है मुझे, तो इसको हम बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है, इसको हम बनाएंगे इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पर ये राइट एंगल था तो ये बी मान लिया, यहाँ पर ये 90 है, ये ए हो गया और ये क्या हो गया सी। यहाँ पर ये ए बी अपने पास कितना है 15 है, ए सी अपने पास कितना है 25 है, और ये कितना है अपने पास 20 है, ठीक है। ये टोटल लेंथ अपने पास कितनी आ गई 20 आ गई। अब उसने दो सर्कल बनाए इस तरीके से कि वो साइड को भी टच कर रहे हैं और दोनों की रेडियस आपस में क्या है बराबर है। एक सर्कल ये बन गया और दूसरा सर्कल हमने ये बना दिया, ये आपस में भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं और सर्कल ट्राइंगल की साइड को भी टच कर रहे हैं, ठीक है, दोनों की रेडियस बराबर है, भावनाएं समझना आप। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे, अगर बेसिक देखा जाए इसका तो दोनों की रेडियस आपस में क्या है बराबर है, इसकी रेडियस ये हो गई और इसकी रेडियस इसका सेंटर मान लेते हैं ये, तो अगर हम सर्कल के दोनों सेंटर को मिला दें तो दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन स्ट्रेट होगी क्योंकि दोनों की रेडियस बराबर है। तो अगर ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये भी आर हो जाएगा, है ना, रेडियस, और ये भी कितना हो जाएगा मेरा आर हो जाएगा, और ये टेंजेंट है तो 90 बन जाएगा, ये टेंजेंट है तो ये भी 90 बन जाएगा और ये भी 90 बन जाएगा, ठीक है, ये भी 90 बन जाएगा। तो अगर ये 2R है, रेक्टेंगल बन गया, अगर ये 2R है तो ये भी कितना आ जाएगा अपने पास 2R, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये कितना हो जाएगा अपने पास 2R हो जाएगा। अब मैं इसको कुछ नाम देता हूँ O, ठीक है, इसको बोल देता हूँ O डैश, और ये हो जाएगा अपना D, और ये इसको मान लेते हैं E, ठीक है, इसको मैं इससे मिला देता हूँ और मैं इसको इससे मिला देता हूँ, ठीक है, दोनों को हमने मिला दिया। तो अगर ये एंगल अपना थीटा होगा, अगर ये पूरा एंगल थीटा है, अगर ये पूरा एंगल अपने पास थीटा है, तो आपको एक चीज़ पता होगी, है ना, कि किसी सर्कल, अभी हमने इससे पहले देखा था कि किसी सर्कल के बाहर अगर आप एक पॉइंट से दो टेंजेंट खींचोगे तो बराबर होंगी, ठीक है, एक चीज़। दूसरा, एक तो एक दोनों बराबर होंगे, दूसरा अगर हम सर्कल के सेंटर को इस पॉइंट से मिला देते हैं जहाँ से हमने टेंजेंट खींची है, तो ये इस एंगल को आपस में क्या करेगा, बाइसेक करेगा, मतलब ये जो सर्कल के सेंटर से मिलाने वाली लाइन होती है ये एंगल बाइसेक्टर होती है। तो अगर ये पूरा एंगल थीटा होगा तो ये छोटा सा एंगल कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा थीटा बाय टू, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये 90 है ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, आप 90 माइनस थीटा से भी कर सकते हो, लेकिन हम इसको एल्फा से भी कर सकते हैं, आपको अच्छे समझ में आया, इसलिए इसको हम अगर एल्फा मान लेते हैं, ये पूरा एंगल अगर अपना एल्फा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा एल्फा बाय टू, ठीक है। अब आप देखोगे अगर, तो हमने एक छोटा सा ट्राइंगल बनाया यहाँ पर, ये छोटा सा ट्राइंगल बनाया इसका मैं नाम ले लेता हूँ, ये ए है, ये ओ है और ये डी है, ठीक है, और ये एंगल कितना है मेरा, ये है थीटा बाई टू, थीटा बाई टू, और ये आर है, ये 90 है। तो मैं यहाँ से, अब देखो किसी भी थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, जिस लाइन पर थीटा बनता है वो बेस होता है, तो परपेंडिकुलर और बेस ट्रिग्नोमेट्री अगर लगाएं इसमें, परपेंडिकुलर और बेस किसका रेशो होता है, तो परपेंडिकुलर और बेस होता है टेन का, तो यहाँ से लिखते हैं हम टेन थीटा बाई टू बराबर आर परपेंडिकुलर अपॉन में कितना ए डी, ठीक है। अब देखना अगर मैं टेन थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, टेन थीटा को लिख दूंगा मैं साइन थीटा, टेन थीटा बाई टू को लिख दूंगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, आपको कि सर वाह ये कैसे लिखा, बराबर आर अपॉन में ए डी। तो ये हमने कैसे लिखा मैं बताता हूँ आपको, आपको पता है कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, उसी तरीके से अगर आप एंगल को आधा कर दो तो साइन थीटा हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई टू, ठीक है। अब आपको कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, ये क्या होता है 2 cos, इसके दो तीन फार्मूले हैं ना, 2 cos² थीटा माइनस 1, अभी हमें जो ज़रूरत है वो लिख रहे हैं 2 cos² थीटा माइनस 1, तो अगर हम इसको लिखें cos थीटा तो हो जाएगा 2 cos² थीटा बाई 2 माइनस कितना 1। तो अगर मैं इसमें साइन थीटा की जगह ये पुट कर देता हूँ, तो मैं इसको समझा रहा हूँ ये कहाँ से आया है, ठीक है, अगर मैं साइन थीटा की जगह रख देता हूँ 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड में 1 प्लस, इसको लिख देता हूँ 2 cos²
थीटा बाई टू माइनस कितना वन, तो ये वन से वन कैंसिल हो जाएगा और टू से टू कैंसिल हो जाएगा और एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा साइन थीटा बाई टू और नीचे क्या बचा कॉस थीटा बाई टू, ये दोनों मिलाकर क्या हो गए टेन थीटा बाई टू, ये दोनों मिलाकर क्या हो गए टेन थीटा बाई टू। ठीक है, मतलब हम टेन थीटा बाई टू की जगह ये लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। अब ये थीटा तो पूरा एंगल था है ना, ये थीटा तो अपना पूरा एंगल था, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा था अपने पास है ना, ये थीटा तो पूरा एंगल है। तो अब इस ट्राइंगल में अगर मैं आपसे साइन थीटा पूछ रहा हूँ, ठीक है, अब इस पूरे ट्राइंगल में अगर हम साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 25 है और हाइपोटेनस कितना है अपना 20 है, परपेंडिकुलर कितना है 25 है, हाइपोटेनस कितना है 20 है, तो 5 से काट देते हैं, 5 बार गया और 5 से काट देते हैं 4 बार चला जाएगा। तो साइन थीटा हमें मिल गया यहाँ से कितना 5/4। अगर मैं कॉस थीटा निकालूंगा तो कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस है ना, तो बेस कितना, अगर हम साइन थीटा की बात कर रहे हैं तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा अपने पास, अगर यहाँ से देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ये एंगल ए है ना, तो ये बेस हो गया, बेस मतलब ये 15 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा अपने पास हाइपोटेनस कितना है 20 है, तो आ जाएगा 3/5। तो कॉस थीटा कितना आ गया अपना, कॉस थीटा आ गया 3/5। ठीक है, यहाँ पर अगर हम वैल्यू रख दें, यहाँ पर हम साइन थीटा अपॉन 1+cos θ में ये वैल्यू रख देते हैं बराबर R/AD, तो साइन थीटा कितना आया अपने पास, साइन थीटा आया 5/4। ठीक है, साइन थीटा अपने पास आया 5/4। अच्छा इसमें सॉरी एक गलती हो गई, क्या गलती हो गई कि साइड गलत लिख दिया हमने है ना, ये साइड अपने पास कितनी है AC अपने पास 25 है, सॉरी ये तो 20 है ना, इसको हम सुधार लेते हैं एक बार, ये अपने पास कितना होगा, तभी मैं कह रहा हूँ साइन थीटा ज़्यादा कैसे आ रहा है एक से, ये हमने साइड गलत लिखी है। ठीक है, BC अपने पास कितना है, BC अपने पास 20 है और AC अपने पास कितना है 25 है। ठीक है, AC अपने पास कितना है 25 है, तो अब ये चीज़ें भी थोड़ा सा सुधार लेते हैं, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ से अगर हम देखें तो ये भी अपने पास दोबारा से फिर लिख लेते हैं। ठीक है, एक बार तो अब देखेंगे अगर साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर 20 है अपॉन हाइपोटेनस कितना है मेरे पास 25। ठीक है, तो 4/5 4/5। ठीक, साइन थीटा कितना मिल गया मुझे 4/5 मिल गया। कॉस थीटा क्या होगा, बेस, बेस मतलब 15/ कितना हाइपोटेनस कितना 25, तो ये आ जाएगा 3/ कितना 5। ठीक है, 3/5, तो यहाँ से अगर हम रख देंगे कॉस साइन थीटा कितना है अपने पास 4/5 है और ये कितना है अपने पास 1+3/5 बराबर कितना R/AD। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 और 3 8, तो आ जाएगा 4/5 4/5 डिवाइड में कितना हो जाएगा 5 और 3 8/5 बराबर कितना R/AD। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 से आएगा एक बार, ये 2 बार, तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे 1/2 बराबर R/AD। तो मैं AD को कितना लिख सकता हूँ, तो AD को मैं लिख सकता हूँ 2R। AD को हम कितना लिख सकते हैं 2R लिख सकते हैं, मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की लेंथ अपने पास कितनी आ गई 2R आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ अपने पास कितनी आ गई 2R आ गई। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर लगाएं, उसी तरीके से अगर इस छोटे वाले ट्राइंगल में, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाता हूँ मैं, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ अब मैं, ये O डैश है, ठीक है, ये अपने पास E है और ये अपने पास कितना है C है और ये R है और ये कितना है, ये अपने पास α/2 है। तो अब अगर इसको मैं 91 θ लिखता हूँ तो आप जल्दी कर लोगे, ठीक, इसीलिए मैं कह रहा था, लेकिन हमें α/2 से भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर फिर से क्या लिखूँगा, टेन α/2 बराबर कितना हो जाएगा R/CE। तो फिर इस α/2 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, साइन α/1+cos α बराबर कितना R/CE। अब अगर मैं यहाँ से साइन अल्फ़ा निकालूँ, साइन अल्फ़ा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो अब ये कितना आएगा, ये आएगा 15/25 और कॉस अल्फ़ा कितना आ जाएगा मेरे पास 1+ बेस, बेस कितना है 20 20/25,
बराबर कितना अपने पास आर अपॉन में सी, आर अपॉन में सी, तो 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कट जाएगा 5 बार, 5 से कटेगा 4 बार, 5 से कट जाएगा 5 बार, ठीक है। तो 3/5 बटे में कितना 1 + 4/5 इज इक्वल टू कितना आ गया आर बटे में सी ई, ठीक। अब अगर हम देखें इसको और क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 3/5 अपॉन 5 × 4 = 9 बटे में 5 बराबर कितना आर बटे में सी ई। तो यहाँ से आपको दिख गया होगा कि ये 5 से 5 कैंसिल हो गया और ये 3 से जाएगा 3 बार, मतलब यहाँ से मुझे कितना मिला 1/3 इज इक्वल टू आर अपॉन सी ई। तो यहाँ से अपने पास कितना मिल गया, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि सी ई बराबर कितना हो गया 3 आर, सी ई बराबर कितना हो गया अपने पास 3 आर, मतलब ये लेंथ हमें मिल गई 3 आर के बराबर, कौन सी वाली, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। अब बस सवाल सॉल्व हो गया। आप देखो कि ये जो ए सी है ये यहाँ से यहाँ तक 2R + 2R, 4R + 3, 7R, तो हम लिख सकते हैं कि ए सी जो 7R है उसकी वैल्यू अपने पास कितनी है 25 है, तो रेडियस आ गई सर्कल की 25/7, देख लो आप कितना लेंदी है, इसका आंसर कितना आया मेरा 25/7 आया, ठीक है। तो अब हम इसको एग्ज़ाम में कैसे करेंगे, अब देखते हैं हम वो जो तरीका एग्ज़ाम में कैसे करना है इस सवाल को, ठीक है। एग्ज़ाम में हम इस सवाल को कैसे करेंगे, तो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर हमने क्या बनाया, दो सर्कल बनाए, दो बनाओ चाहे कितने ही बनाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आप इसकी किसी भी साइड पे बना सकते हो, ठीक है। जैसे इस बार तो उसने हाइपोटेन्यूस पे बनाया, अगर हम बेस परपेंडिकुलर कहीं पर ही बना दें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमने एक सर्कल बनाया जो इस दोनों साइड को टच कर रहा है, ठीक है, एक सर्कल ये था और एक सर्कल अपना ये है, ठीक है, दोनों की रेडियस आपस में क्या थी, बराबर थी। तो आपको क्या याद रखना है, आपको रखना है याद आर बराबर डेल्टा अपॉन एस प्लस एन माइनस वन इंटू आर, जहाँ पर एस क्या है सेमी पैरीमीटर, डेल्टा बताया था एरिया, और एन क्या है नंबर ऑफ सर्कल, और आर क्या है नंबर ऑफ सर्कल, एन माइनस वन इंटू आर नहीं एच, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा एच, एच क्या है हाइट। तो किसी भी ट्राइंगल की हाइट क्या होती है, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करता हूँ, जिस बेस पर बनाया गया उससे हाइट लेनी है आपको, तो हाइट क्या होगी, यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, और ये अपने पास कितना था, ए बी अपने पास है 15, 20, 25 है ना, ये 15 है, ये 20 है और ये 25 है, तो ये इसकी हाइट होगी, और आपको हाइट पता है इसकी हाइट कैसे निकलती है, ये होता है परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। तो 5 से जाएगा 5 × 3 = 15, 5 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 4 बार, तो इसकी हाइट अपने पास कितनी आ गई 12 आ गई, ठीक है। तो अब आर निकाल लेंगे, डेल्टा डेल्टा बराबर क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कहीं से भी लिख लो आप, 15 × 20 लिख लो चाहे 25 × 12 लिख लो, क्योंकि हाइट हमें पता चल गई, कहीं से भी आप लिख लो दोनों जगह से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको बेस पता है, बेस या परपेंडिकुलर दोनों में से कोई एक हो जाएगा 15 और 20, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइड बाय एस, एस क्या सेमी पैरीमीटर, तो ये 20 और 15 35 और 25 60, 60 का आधा कितना 30, और प्लस कितना एन माइनस वन, एन क्या नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं दो, तो दो में से एक जाएगा एक बचेगा इंटू एच, एच कितना है अपने पास 12 है, इसको 2 से काट देते हैं तो कितने बार कट जाएगा 10 बार, तो ये आ जाएगा 15 × 10 डिवाइड बाय कितना 42, ठीक है। अब ये काट देते हैं हम किससे, 3 से काट देते, 3 से जाएगा 5 बार, 3 से जाएगा 14 बार, ठीक है, 2 से जाएगा अपना कितने बार, 2 से जाएगा 5 बार, 2 से जाएगा 7 बार, तो यहाँ से भी रेडियस कितना आ गया अपने पास 25/7, ठीक है। तो ये सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो हमें इस सवाल को सॉल्व करने में इतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या लगाएंगे आर बराबर डेल्टा अपॉन एस प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ठीक है। एन क्या है नंबर ऑफ सर्कल, और एच क्या होगा जिस बेस पर आपने सर्कल बनाए उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं इस बेस पर बनाता यहाँ पर, तो फिर मुझे इसका परपेंडिकुलर तो पता है 15 था, ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालना पड़ा। तो ये सवाल का सॉल्यूशन था, आई होप आपको समझ में आया होगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, बढ़ा लेते हैं इस सवाल को। ठीक,
अब एक बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको कैसे करेंगे देखो। अब यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि ये एक पॉइंट से खींची गई टेंजेंट है, ये तीनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, आप देखो तो एक पॉइंट से खींची गई दो टेंजेंट ये हैं और एक पॉइंट से खींची गई दो टेंजेंट ये हैं, तो ये तीनों टेंजेंट आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अगर ये एक्स है और ए भी अपने पास कितना है, सात है, ये सात है अपने पास, और ये कितना है अपने पास, टोटल 11 है अपने पास, यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पास कितना है, 11 है। ठीक है, ये टोटल अपने पास कितना है, 11 है। ठीक है, और ये कितना है अपने पास, ए सी अपने पास 8 है, ये टोटल कितना है, 8 है। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, कैसे, कॉमन टेंजेंट से। तो फिर ये कितना हो जाएगा, अगर ये वाई है तो ये भी कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये जेड है तो ये भी कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा, कॉमन टेंजेंट। अगर ये डब्ल्यू है तो ये भी डब्ल्यू हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तीनों टेंजेंट आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। इस पॉइंट डी से यहाँ पर एक टेंजेंट खींची गई है ना, इस पॉइंट डी से यहाँ पर ये टेंजेंट खींची गई है, यहाँ पर ये टेंजेंट खींची गई, यहाँ पर ये, तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर लिख सकता हूँ। तो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर बताओ आप मुझे कितना हो जाएगा। हम लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड प्लस ये बी सी कितना हो जाएगा मेरा, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, पैरामीटर 15 और 11 कितना, 26 है ना, 26। और ये देखो दो एक्स है, दो वाई है, दो डब्ल्यू है, दो जेड है, तो इसको लिख सकता हूँ 2x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर कितना, 26। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा, उनके पास 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम x प्लस वाई देखें तो x प्लस वाई कितना है अपने पास, 7 है, मतलब z प्लस डब्ल्यू अपने पास कितना हो गया, 6 हो गया। z प्लस डब्ल्यू अपने पास कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, इसका मतलब है z प्लस डब्ल्यू मतलब क्या, सी डी, सी डी कितना आ गया अपने पास, 6 आ गया। तो बी डी अपने पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बी डी अपने पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, हमें ए डी की वैल्यू निकालनी है, तो सर्कल का काम इतना ही था। इसके बाद अगर आप देखोगे तो हमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, अगर हम बेसिक से देखें इस सवाल को, इसके बाद अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये ए डी उसने कुछ बोला नहीं है क्या है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है क्या है, कुछ नहीं, कोई भी लाइन है ए बी सी, और यहाँ पर उसने एक लाइन खींच दी ऐसी ए डी। ठीक है, ये हमें पता है ये कितना है, 5 है अभी हमने देखा, और ये कितना आ गया अपने पास, 6 है। ठीक, इसको इस तरफ खींचना चाहिए था थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। ए बी कितना है मेरे पास, 7, और ये कितना है अपने पास, 8, और ये अपने पास टोटल कितना है, 11 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अगर ये डी है तो इसको बोल देते हैं हम, ये तो ई था, ठीक है, ये टेंजेंट ई है, इसमें एफ बोल देते हैं इसको, एफ। ठीक, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इन साइड को 7 8 5 6 11 ना मान करके, अगर मैं इस ट्राइंगल को इस तरीके से बना करके बताऊँ तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक बार मैं इनको मिटा देता हूँ, ये 5, ये 6, ये 11, ये 7, ये 8। ठीक है, इन सबको मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये सी है अपने पास, ये बी है, और ये टोटल ए है, ये एम है, और ये एन है। ठीक है, एम और एन हो गया। अब आप देखोगे तो हम ट्राइंगल ए बी एफ में क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसका पहले बेसिक देख रहा हूँ फिर बताऊँगा डायरेक्ट कैसे करना है। ठीक है, ट्राइंगल ए बी एफ में क्या लिख सकता हूँ मैं, तो लिख सकता हूँ सी का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं इसको कुछ मान लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू को, अगर मैं कुछ मान लेता हूँ वाई मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं अगर वाई मान लेता हूँ तो ये टोटल एम था, ये वाई है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, एम माइनस वाई, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, एम माइनस वाई। तो सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, और ये एच मान लेते हैं परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस एम माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप एक काम करो, एन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा एन सी स्क्वायर बराबर
एन इंटू एच स्क्वेयर और प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं और एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एन इंटू एम स्क्वेयर प्लस एन इंटू वाई स्क्वेयर माइनस टू एन एम वाई, ठीक है, टू एन एम वाई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर एक। अब आप देखो ट्राइंगल कौन से वाले में, ए एफ सी में, कौन से वाले में, ए एफ सी में। इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें लिख सकता हूँ बी का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ये वाली लाइन कितनी रहेगी, ये एन है और ये वाई है, तो एन प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर लिखा रहने देते हैं। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, एम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हो जाएगा एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम एच स्क्वायर प्लस एम का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, होल स्क्वायर खोल देता हूँ, एम एन स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर और प्लस टू एन एम वाई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर दो, ठीक है। अब अगर इक्वेशन नंबर एक और दो को ऐड कर दें, इक्वेशन नंबर एक और दो को ऐड कर दें, तो अगर हम एक और दो को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो अगर हम एक और दो को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये एन सी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर है ना, एन सी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, देखो यहाँ पर एन एच स्क्वायर है, यहाँ पर एम एच स्क्वायर है, तो अगर हम एच स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, एम प्लस एन बच जाएगा। यहाँ पर एन एम स्क्वायर है, यहाँ पर एम एन स्क्वायर है, दोनों में से एम एन कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, एम प्लस एन बच जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या है, एन वाई स्क्वायर, यहाँ पर एम वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर भी क्या बच जाएगा अपने पास, एम प्लस एन बच जाएगा। और ये माइनस का टू एन एम वाई और ये प्लस का टू एन एम वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, इतना बचा। अब आप मुझे बताओ एम प्लस एन की जगह क्या मैं ए रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हो आप, तो एन सी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर इंटू ए प्लस एम एन ए प्लस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। अब इन दोनों में से अगर हम ए कॉमन ले लें, एन सी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर बराबर इन दोनों में से अगर हम ए कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का एम एन ए। तो ये अब आप इस ट्राइंगल में देखोगे तो एच स्क्वायर, ये जो ट्राइंगल है एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या ये लिख सकते हैं, ए डी, ए डी, ठीक है, ए डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो सर आप। तो हम लिखेंगे एन सी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर बराबर ए इंटू ए डी स्क्वायर प्लस एम एन ए। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये कहलाती है सी वी एन, या कोई भी लाइन हो उसकी लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करना एग्ज़ाम में, आप इसको याद कैसे रखोगे, अगर मैं सिंपल सा आपको समझाऊं तो यहाँ से तो हमें क्या मिल गया था, देखो हमें जो ट्राइंगल हमने बनाया था उस ट्राइंगल में हमें क्या मिल गया था, देखो अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाता हूँ तो हमें इसके बाद तो आगे करने की ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं, यहाँ से हमने एक लाइन खींच दी थी, है ना, यहाँ से ये लाइन खींच दी थी हमने ए डी, इसको बोल दिया था ए डी, ये ए है, ये अपने पास बी है, ये सी है, ये डी है, ये अपने पास कितना था सात, ये अपने पास कितना था आठ, ये अपने पास कितना था पाँच, और ये अपने पास कितना था छः, और ये कितना था अपने पास टोटल ग्यारह। तो आपको याद कैसे रखना है, देखो ये हो गया अपने पास सी, ये हो गया अपने पास बी, है ना, ये हो गया एम, ये हो गया एन, तो इतना इंटू इतने का स्क्वायर, ठीक है, तो सिक्स इंटू सेवन का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू एट का स्क्वायर, फाइव इंटू एट का स्क्वायर बराबर ये जो जिसकी लेंथ आपको निकालनी है ए डी, ए डी इंटू ए डी स्क्वायर इंटू ये इलेवन इंटू इलेवन, ठीक है, कितना आ रहा है ए आ रहा है, जिस लाइन पर ये ड्रॉ किया गया वो पूरी लाइन ले लो, प्लस ये तीनों का प्रोडक्ट फाइव सिक्स इलेवन, तो फाइव इंटू सिक्स इंटू इलेवन, इसको आप सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा मेरा सात का स्क्वायर और उनचास, उनचास इंटू सिक्स कितना आ जाएगा 294, है ना, ये आएगा 294, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा आठ का स्क्वायर चौंसठ इंटू पाँच कितना हो गया 320 बराबर कितना हो जाएगा ए डी स्क्वायर इंटू इलेवन प्लस छः और
30 इंटू 11 कितना, 330। तो 320 में 300 जाएगा, 330 जाएगा, 10 बचेगा, मतलब 284 बराबर कितना आ गया, 11 AD स्क्वायर। तो यहाँ से AD की वैल्यू मिल जाएगी मेरे पास रूट के अंदर 284/11। ये सवाल का क्या है, सही आंसर है। तो अगर आपको ये पता है तो फिर इसके आगे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको इसी में एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, फिर ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब जा करके आप आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल में, अगर देखो आपको मीडियन निकालना आता है ना, आपको परपेंडिकुलर निकालना आता है, उसी तरीके से अगर किसी ट्राइंगल के किसी भी बेस पर आप कोई भी लाइन खींच दो, मान लो कोई भी लाइन है, ये एंगल बाइसेक्टर ही है, ठीक है, कोई भी लाइन है, और इसने इसको m इज टू n में डिवाइड किया, और ये c है और ये b है और ये पूरा अपने पास a है, तो आपको ये याद रखना है कि इसकी लेंथ अगर हम x मानते हैं तो इसकी लेंथ निकालने के लिए क्या करोगे आप, n इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, n इंटू सी स्क्वायर प्लस m इंटू बी स्क्वायर, m इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, इज इक्वल टू हो जाएगा जिसकी लेंथ निकालनी है एक्स स्क्वायर, जिस बेस पर खींची है ए, और प्लस जो बेस है जितने पार्ट में डिवाइड है एम एन ए। तो अगर आपको ये याद हो जाएगा तो फिर आप इस सवाल को आगे जल्दी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन सवाल था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है अपने सामने। सवाल कह रहा है इन ए ट्राइंगल ए बी सी, किसी त्रिभुज ए बी सी में अपने पास ए बी प्लस बी सी बराबर कितना है, ए बी प्लस बी सी अपने पास कितना है, 22 सेंटीमीटर है। ए पॉइंट पी प्लेस्ड ओवर ए सी, इफ ए सी इज इक्वल टू 12, कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ बी पी। ठीक है, पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, फिर देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इस सवाल को। ठीक है, तो अगर मैं डायग्राम बनाऊँ इस सवाल का, तो एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा मुझे। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं सुंदर सा। ठीक है, एक मैंने ट्राइंगल बनाया, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया ए। ठीक है, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ए बी सी। ये तो प्री में भी आ सकता है और मेंस में भी आ सकता है। ठीक है, इसको तो करने का एक ही तरीका है जिस जो आपको समझ में आता है। ठीक, यहाँ से हमने एक लाइन खींच दी है, पी इज़ अ पॉइंट ओवर ए सी। ठीक है, ए सी पर पॉइंट है, तो इसको ऐसा बना लेते हैं, एक मिनट, इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फिर ये लिख देता हूँ मैं इस तरीके से। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, इसको लिखता हूँ बी, ये ए और ये सी। ठीक, ताकि आपको अच्छे समझ में आए, बाकी हम वैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हमने एक लाइन खींच दी, यहाँ से हमने एक लाइन खींच दी, अरे क्या हो गया, एक मिनट, यहां से हमने एक लाइन खींच दी, ठीक है, ये ठीक, और इसको बोल दिया मैंने क्या, इसको बोल दिया है पी, इसको बोल दिया मैंने पी। तो हमें इसकी स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी है बी पी की। ठीक है, बी पी की स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी है, और अपने को क्या दे रखा है, ए बी प्लस बी सी बराबर 22 दे रखा है अपने को, और ए सी बराबर कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। तो अभी ये बताया तो है नहीं कि क्या है, लेकिन इसकी स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी है। तो एंगल सी के सामने वाली साइड सी हो जाएगी, ए के सामने वाली साइड ए हो जाएगी। इसको हम कुछ m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा मेरे पास x। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी है bp की। तो आपको ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी पता होगी कि किसी भी ट्राइंगल को बनाने के लिए उसकी किसी एक साइड को बाकी दो साइड के डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए, और उनके सम से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो ट्राइंगल देखता हूँ मैं कौन सा, ए बी पी। इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो एक्स है, एक्स है वो सी माइनस एम से बड़ा होगा, इन दोनों साइड्स के डिफरेंस से बड़ा होगा, और इनके सम से क्या होगा, छोटा होगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
इस ट्रायंगल में अगर आप देखो कौन से वाले में, बी पी सी में, बी पी सी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक्स जो होगा वो ए माइनस एन से बड़ा होगा और ए प्लस एन से छोटा होगा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा सी प्लस ए माइनस, ये तो हो जाएगा सी प्लस ए, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एम प्लस एन, ये हो जाएगा ग्रेटर देन लेस देन कितना 2x जोड़ रहे हैं तो, और ये हो जाएगा मेरा कितना, यहाँ से अगर देखेंगे तो हो जाएगा सी प्लस ए और प्लस एम प्लस एन। ठीक है, अब आप मुझे बताओ सी प्लस ए कितना है, सी प्लस ए मतलब ए बी प्लस बी सी, कितना है अपने पास 22 है, तो यह आ जाएगा 22 माइनस एम प्लस एन कितना 12 है, ये 2x हो गया, और ये कितना हो गया 22 प्लस 12, ये कितना हो गया अपने पास 10, ये हो गया 2x, और ये कितना हो गया 34, 2 से भाग कर देंगे तो 5, ये x, और ये कितना हो गया मेरे पास 17। ठीक है, तो जो x होगा वो 5 से बड़ा होगा, 17 से छोटा होगा, लेकिन हमें न्यूनतम लंबाई पूर्णांक में बताना है, इंटीजर में, मतलब कुछ भी हो सकता है 5.3, 5.7, 5.8, लेकिन हमें इंटीजर बताना है, तो क्या आंसर आ जाएगा इस सवाल का, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सवाल था लेकिन अच्छा सवाल था, इसलिए मैंने आपको डिस्कस करा दिया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, थोड़ा सा तीसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 आज की क्लास का, कह रहा है कि ए बी सी में आई इन सेंटर है, ए बी बराबर 4, बी सी बराबर 6, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो हम सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं फटाफट से। ठीक है, एक ट्राइंगल बना लिया मैंने, और यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, आई इन सेंटर है। ठीक है, ए बी अपने पास कितना है 4 है, बी सी अपने पास कितना है 6 है, और ए सी अपने पास कितना है 5 है, आई इन सेंटर है। फिर कह रहा है कि ऑन एक्सटेंडिंग ए आई मीट्स द साइड बी सी एट डी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए आई इज टू आई डी, तो आई इन सेंटर है, इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो पहले ही बढ़ा लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर आई होगा, ये मिलता है इस साइड को डी पर, ठीक है, ये साइड को मिलता है डी पर, तो आपको बताना है कि ए आई रेशियो आई डी क्या होगा, ए आई इज टू आई डी क्या होगा। ठीक, तो पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ कि बेसिक क्या है। अब अगर ये आई इन सेंटर है तो पक्की बात है कि एंगल बाइसेक्टर होगा, तो अगर ये पूरा एंगल ए है तो ये कितना हो जाएगा ए बाई टू, और ये भी कितना हो जाएगा ए बाई टू। ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर किसी ट्राइंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होता है जिस साइड पर जाता है वो उसको उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में बाकी दो साइड हैं। तो अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है तो ये अगर इसका एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, तो आप लिख सकते हो कि जो रेशियो ए बी और ए सी का होगा वही रेशियो क्या होगा बी डी और सी डी का। ठीक है, वही रेशियो क्या होगा बी डी और सी डी का। तो उसने तो बोल ही दिया था आई इन सेंटर, इन सेंटर क्या होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, तो जो भी इस पॉइंट को आप वर्टेक्स से मिलाओगे वो एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। तो आपने क्या सीखा अभी कि अगर एंगल बाइसेक्टर है तो जो रेशियो इन साइड का है वही रेशियो इन साइड का हो जाएगा। तो अगर ये 4:5:5 है तो इनका रेशियो भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट हो जाएगा, ध्यान रखना ये 4 यूनिट होगा और ये कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा, ये 4 यूनिट हो जाएगा और ये 5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, लेंथ इसकी कितनी है 6 है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बी डी रेशियो सी डी कितना है तो आप कह दोगे सर 4:5:5 है, और अगर मैं पूछूं कि बी डी प्लस सी डी कितना है तो आप कह दोगे 6 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि बी डी कितना है मेरे पास तो आप बता दोगे, तो बी डी आप कहोगे सर 4/9, 4 है कितने यूनिट में 9 यूनिट में, तो 6 में कितना आ जाएगा, तो 3 से काट देते 3 दूनी 6, 3 से काट देते 3 बार, तो ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8/3। ठीक है, तो बी डी आ गया मेरा 8/3, मतलब बी डी की लेंथ निकाल ली हमने कितनी 8/3 आ गई। ठीक है, सी डी की लेंथ निकालने की जरूरत नहीं है, आप सी डी से भी कर सकते हो, बी डी से भी कर सकते हो। अब आप देखोगे एक ट्राइंगल इस तरीके से, अब मैं बताता हूँ कि और आगे कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये डी हो गया। ठीक है, यहाँ पर आई इन सेंटर है, इसको अगर हम इन सेंटर को सामने वाले वर्टेक्स से मिलाते हैं तो ये एंगल बाइसेक्टर का काम करता है, मतलब ये भी बराबर होगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि एंगल बाइसेक्टर
जिस साइड पर जाकर के मिलता है उसको उसी रेशो में डिवाइड करता है जिसमें बाकी दो साइड है। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो अगर ये चार और बी डी की लेंथ हमने अभी कितनी निकाली है 8/3, तो जो रेशियो इनका होगा वही रेशियो क्या होगा इनका होगा, ये कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। ठीक है, 8/3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और यही हमसे पूछा था ए आई और आई डी, तो ए आई कितना है 4 है और ये कितना है 8/3, तो 4 से कट जाएगा 2 बार, तो रेशियो कितना आ गया अपने पास 3:2। ये सवाल का क्या है आंसर है। ठीक है, लेकिन हमें इस सवाल को एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना है। हम इस सवाल को एग्ज़ाम में कैसे करेंगे देखो ज़रा, इस सवाल को अगर एग्ज़ाम में करना हो मुझे तो मैं किस तरीके से करूँगा। आप ध्यान रखना इस सवाल में कि अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर, अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर आप देखोगे इस सवाल को एग्ज़ाम में कैसे करेंगे हम, ये तो मैंने आपको इसका बेसिक समझा दिया एग्ज़ाम में कैसे करेंगे। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर ए बी सी एक ट्राइंगल है, आई इन सेंटर है, इन सेंटर को मिलाने वाला लाइन क्या होगा एंगल बाइसेक्टर होगा, तो अगर ये इन सेंटर है और ये डी है और आपको इसकी तीनों साइड पता है, ठीक है, अगर मैं इसके सामने वाली साइड लिखता हूँ तो ये सी, इसके सामने वाली साइड लिखता हूँ बी और इसके सामने वाली साइड लिख देता हूँ ए, तो जो ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा आपको याद रखना है, ए आई और आई डी का रेशियो होगा, याद कैसे रखते हैं कि जो साइड के पास है वो साइड की रेशियो के बराबर हो जाएगा, तो आई डी कितना हो जाएगा ए, ठीक, और बाकी जो ए आई है अगर ये ए हो गया तो बाकी जो ए आई है वो इन दोनों साइड के सम के बराबर हो जाएगा, तो आपको ये याद रखना है बी प्लस सी इज टू ए होता है, ए आई इज टू आई डी। ठीक है, अगर कभी आपको किसी ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी हैं तो आप इन सेंटर से लेकर के वर्टेक्स तक की और इन सेंटर से लेकर के साइड तक की डिस्टेंस निकाल सकते हो। याद कैसे रखना है, जो साइड तक की डिस्टेंस है वो साइड के बराबर होगी, साइड के रेशियो के बराबर होगी, और बाकी जो वर्टेक्स तक की डिस्टेंस है आपने ये ए ले लिया तो बचा क्या बी, तो ये बी प्लस सी के बराबर होगा। तो हम इस सवाल को फटाफट से कर सकते थे, हमसे ए आई और आई डी पूछा था, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 6, ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 4 9, तो सीधा आंसर आ जाता ए आई और आई डी, ये कितना हो जाएगा ए आई 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा अपने पास 3:2। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक, तो ये सवाल जल्दी हो जाता। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रपेजियम का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, कह रहा है कि ए बी सी डी इज अ ट्रपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इज टू टाइम्स ऑफ सी डी, ई एंड एफ आर टू पॉइंट्स ऑन द साइड ए डी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली सच दैट डी ई रेशियो ई ए इज 4:7, सी एफ रेशियो एफ बी 4:7, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ई एफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक ट्रपेजियम बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक ट्रपेजियम बनाते हैं, पहले देखते हैं इसको बेसिक से कैसे करना है। ठीक है, ये एक ट्रपेजियम हो गया अपना, ये अपना एक ट्रपेजियम हो गया। ठीक, ए बी दुगना है तो ये ए बी मान लेते हैं, ए बी सी और डी, और ये इसके पैरेलल है। ठीक है, ई और एफ दो पॉइंट हैं, ई है ए डी पर और एफ है बी सी पर। ठीक है, और इसी की हमें लेंथ बतानी है, ई एफ कितना होगा, ई एफ कितना होगा, और ये हमें दे रखा है डी ई से लेकर के ई ए कितना है 4 5 7, और ये भी कितना है 4:7। ठीक, तो इस सवाल को सॉल्व करने का बेसिक तरीका देखते हैं सबसे पहले, फिर हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में आप इसको कैसे कर सकते हो। तो अगर मैं इसको इस डायगोनल को मिला देता हूँ, डी को बी से ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको पता है कि थेल्स थ्योरम क्या कहती है, कि अगर कोई लाइन किसी चीज़ को सेम रेशियो मारती है, पैरेलल लाइन किसी भी ट्राइंगल की साइड को सेम रेशियो मारती है, तो अगर ये 4:7 है तो ये भी कितना हो जाएगा 4:7, और ये तो था ही 4:7। ठीक है, तो अगर मैं इसको कुछ बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ मैं P, तो अभी हम देखेंगे कि अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, और ये कॉमन है तो ये आपस में बराबर हो जाएगा, तो ये छोटा ट्राइंगल ट्राइंगल डी ई पी सिमिलर हो जाएगा किसके, डी ए बी के, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा के सामने 4, अल्फा के सामने छोटे वाले में 4, तो अल्फा के सामने बड़े वाले में कितना 11, बराबर इस कॉमन एंगल के सामने वाला
छोटे वाले ट्राइंगल में पी ई हो जाएगा, तो कॉमन एंगल के सामने बड़े वाले ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पी ई कितना आ गया मेरे पास, पी ई आ गया 4/11 ऑफ ए बी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, उसी तरीके से आप देखोगे ये पैरेलल लाइन है, तो अगर ये एंगल ए होगा तो ये वाला एंगल भी ए हो जाएगा, अगर ये एंगल बी होगा तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों में क्या है, कॉमन है, तो ये दोनों ट्राइंगल भी कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो यहाँ पर भी हम सिमिलरिटी लगा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसमें छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल ए के सामने वाली साइड कितनी है, 7, तो बड़े वाले में ए के सामने वाली साइड कितनी है, 11, इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा, कॉमन एंगल के सामने छोटे वाले ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, पी एफ। ठीक है, और कॉमन एंगल के सामने बड़े वाले ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, सी डी। तो यहाँ से हम पी एफ के वाले निकाल सकते हैं, पी एफ कितना हो जाएगा, 7/11 ऑफ सी डी, 7/11 ऑफ सी डी। अब जो ई एफ की वैल्यू है, ई एफ की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ई एफ को क्या हम पी ई प्लस पी एफ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। तो पी ई कितना है, 4/11 ऑफ ए बी, प्लस पी एफ कितना है, 7/11 ऑफ सी डी। अब इसका आंसर सी डी में था, ठीक है, तो हम सी डी में दे देते हैं इसका आंसर। हमें पता है कि ए बी बराबर कितना है, 2 टाइम्स ऑफ सी डी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एल सी एम तो कितना हो गया मेरे पास, आप देखो यहाँ पर तो 11 हो गया है ना, तो ई एफ अब हमें मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, 4/11 इंटू ए बी की जगह रख देते हैं 2 CD प्लस 7/11 CD, तो एल सी एम हो जाएगा 11, 4 × 2 = 8 और 7/15/11 CD, इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने का क्या था, बेसिक तरीका था। ठीक है, एग्ज़ाम में इस सवाल को कैसे कर सकते हैं हम, एग्ज़ाम में इस सवाल को कैसे कर सकते हैं हम, देखो एग्ज़ाम में सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला इसमें लगा सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला लगा सकते हैं। वो सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि अगर कोई लाइन है ए बी, इस पर कोई पॉइंट है एम या पी मान लो, और ये एम रेशियो एन है, इसके कोऑर्डिनेट अपने पास x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट अपने पास x2 y2 हैं, तो हमने पढ़ा था कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये होता है m x2 प्लस n x1 / m + n और m y2 प्लस n y1 / m + n, यही होता था। तो हम इसमें ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे, एक तो हम ये सेक्शन फार्मूला लगा सकते हैं, दूसरा इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें तो सेक्शन फार्मूला कैसे लगेगा, तो ये ट्रपेजियम है अपने पास ए बी सी और डी, ठीक, और यहाँ से ये ई और ये एफ, और ये 4 था और ये 7 है, ये भी 4 है और ये भी 7 है, तो ए बी को इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पर होता क्या था, एम को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते थे, x2 से, और एन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते थे, x1 से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ए बी इंटू 4, ई एफ की अगर हम वैल्यू निकालें, ई एफ की वैल्यू निकालें, ए बी इंटू कितना, 4, क्योंकि हमें ए बी और सी डी की लेंथ नहीं दे रखी है, रेशो दे रखा है। ठीक है, ए बी इंटू 4 प्लस इस सी डी का मल्टीप्लाई किस में करा दें हम, इसमें। ठीक है, सी डी इंटू 7 डिवाइड बाय कितना, 4 + 7 = 11। ठीक है, 4 + 7 कितना, 11, ये हो गया मेरा एम और ये हो गया एन, ये एम हो गया, ये एन हो गया। ठीक है, आप ये समझ लो। अब सी डी में बता रहे हैं तो ए बी बराबर कितना है, 2 टाइम्स ऑफ सी डी, तो इसको लिख देते हैं 2 CD * 4 + CD * 7 डिवाइड बाय कितना, 11। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा, 15/11 ऑफ सी डी, ये क्या हो जाएगा सवाल का आंसर। तो ये फटाफट से सॉल्व करने का तरीका है, ये तो एक गया एग्ज़ाम में सॉल्व करने का तरीका नंबर एक। और कैसे कर सकते हैं हम इसको, इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं। आपको क्या सर, एलिगेशन कैसे लगेगा इसमें, देखो इसका हो गया दूसरा नंबर, एग्ज़ाम में सॉल्व करने का दूसरा तरीका हो गया, इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं हम। ठीक है, एलिगेशन कब लगता है, जब दो चीज़ों को मिलाने पर तीसरी चीज़ बन रही हो। तो यहाँ पर आप ए बी और सी डी को अगर मिक्स कर दोगे तो आपको ई एफ मिल जाएगा, क्योंकि ए बी और सी डी के बीच में कहीं ना कहीं होगा ई एफ, है ना। यहाँ पर हम एलिगेशन लगा सकते हैं, और ये रेशियो कितना है, ये रेशियो अपने पास है 4:7। ठीक है, ए बी उल्टा रेशियो आता है ना, तो ये 4:7 हो गया। अब हमें पता है कि अगर सी डी अपने पास 1 है, तो ए बी कितना हो गया, अपने पास 2 हो गया। एलिगेशन की बेसिक प्रॉपर्टी कि जो इनका डिफरेंस है
और जो इनका सम है, इन दोनों की वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। ये एक है, ये 11 है, तो 11 को हम एक बना लेते हैं। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/11 से, तो इसको भी हमें 1/11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी हमें 1/11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर कितना हो गया 4/11 और यहाँ पर कितना हो गया 7/11। आप कहीं से भी आंसर निकाल लो, ये इनका एवरेज है, ई एफ इनका एवरेज है। तो अगर ए भी बड़ा है तो ये इससे क्या होगा, छोटा होगा, और ये इससे क्या होगा, बड़ा होगा। आप कहीं से भी आंसर निकाल सकते हो कि अगर ए बी मतलब दो में से अगर हम ई एफ घटाएं, और ये आंसर किस में आएगा, सी डी में, क्योंकि हमने सी डी में चेंज कर लिया कि अगर ये एक है तो ये दोगुना है, दो है, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ CD है, तो आंसर सी डी में आ जाएगा। दो में से ई एफ घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7/11 बचेगा। तो ई एफ कितना आ जाएगा, यहाँ से ई एफ आ जाएगा मेरा 11 दूनी 22 में 7 किया 15/11, और एक किसके टर्म्स में आएगा, सी डी के टर्म्स में आएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। या फिर हम यहाँ से भी निकाल सकते थे कि अगर ए बी में से ई एफ घटाया, बड़े में छोटा घटाते हैं, तो अब ई एफ बड़ा होगा सी डी से, तो हम ऐसे भी लिख सकते थे कि ई एफ माइनस सी डी, सी डी मतलब 1, इज इक्वल टू कितना आना है अपना, 4/11 आना है। तो ई एफ बराबर कितना हो जाएगा, 11 और 4 15/11 ऑफ CD। तो ये सॉल्व करने का इसका क्या हो गया, दूसरा तरीका, जिसमें हम एलिगेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। ये इस साल 2018 के मेंस में पूछा गया सवाल, ठीक है, इस तरीके के सवाल और आने की उम्मीद है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, देखते हैं इस सवाल का आंसर क्या आएगा। तो कह रहा है कि पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू इज इक्वल टू 14.4 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 12.8, एस आर इज 9.6, पी आर बाइसेक्ट क्यू एस, वॉट इज द लेंथ ऑफ पी एस। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया, और इस सर्कल के अंदर हमने बनाया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों वर्टेक्स किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर हों। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक डिस्कस करेंगे, पी क्यू आर और एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। पी क्यू अपने पास कितना है, पी क्यू है अपने पास 14.4, क्यू आर कितना है अपने पास, यह है 12.8, और एस आर अपने पास कितना है, 9.6, और हमें पी एस की वैल्यू बतानी है, ठीक है, पी एस की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, पी आर बाइसेक्ट क्यू एस, जो पी आर है वो क्यू एस को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पी आर खींच लेते हैं, पी आर जो है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, क्यू एस को, ठीक है। तो ये पी आर हो गया, और ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, क्यू एस को, तो हमने क्यू एस खींच लिया, ठीक है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पी आर है अपना वो क्यू एस को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, जो पी आर है वो क्यू एस को, मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये पी आर क्यू एस को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ से मिला होगा इस तरीके से, ठीक। इसको मतलब अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, मतलब ये वाली वैल्यू अगर मैं एक्स मानता हूँ, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, ठीक। अब देखो अगर मैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ मान लेता हूँ ओ, तो अगर हम इसको बेसिक से देखें तो बेसिक से सवाल कैसे सॉल्व होता, ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करने का बेसिक क्या है। देखो आपको पता है कि किसी सर्कल में सेम आर्क से, ठीक, सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर कितने भी ट्राइंगल बनाओ, कितने भी एंगल बनाओ, ट्राइंगल नहीं एंगल, वो सारे एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप देखोगे ये है अपने पास आर्क एस आर, ठीक है, एस आर आर्क ने ये वाला एंगल बनाया, तो अगर ये थीटा है तो इसने ये वाला एंगल ही बनाया, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, थीटा थीटा हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। उसी तरीके से अगर आप देखोगे कि ये आर्क पी एस, तो इसने यहाँ पर एंगल बनाया, तो अगर ये मेरा अल्फा हो जाएगा तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। मैं पहले सारे एंगल लिख लेता हूँ, फिर मैं बारी बारी से बता दूंगा आपको, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो ये आर्क क्यू आर है, इसने ये एंगल बनाया, अगर ये ए होगा
तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये अल्फा तो ये अल्फा, ये ए तो ये ए, इसमें ये थीटा तो ये थीटा, तो ये वाला एंगल बच गया। ये वाला भी क्या हो जाएगा, पी क्यू, अगर आर्क देखोगे आप, पी क्यू आर्क देखोगे तो ये भी एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब अगर ये एंगल बी होगा तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, बाकी बच्चे ये एंगल, तो ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो अगर हम सबसे पहले देखें कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू सिमिलर है, पी ओ क्यू सिमिलर है, ये ए है तो ये ए है। ठीक है, पी ओ क्यू सिमिलर हो गया एस ओ आर के, किसके सिमिलर हो गया, एस ओ आर के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल ए के सामने कितना है, ओ क्यू है, बटे मैं इसमें एंगल ए के सामने कितना है, ओ आर है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा एल्फा के सामने इसमें कितना है, एल्फा के सामने हो गया ओ पी, और इसमें एल्फा के सामने कितना हो गया, ओ एस, इज इक्वल टू इसमें वर्टिकल अपोजिट इस वाले एंगल के सामने कितना हो गया, पी क्यू, और बटे में इस वाले एंगल के सामने कितना हो गया, एस आर। ठीक है, ओ क्यू कितना है, क्या मुझे ओ क्यू की लेंथ पता है, ओ क्यू अपने पास एक्स है। क्या मुझे ओ आर की लेंथ पता है, नहीं पता, ओ आर को ओ आर लिख देते हैं। क्या मुझे ओ पी की लेंथ पता है, ओ पी की लेंथ नहीं पता। क्या मुझे ओ एस की लेंथ पता है, ओ एस है एक्स। पी क्यू अपने पास पता है मुझे 14.4, और एस आर मुझे पता है कितना, 9.6। लेकिन इससे सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि हमें कोई दो वैल्यू बराबर पता ही नहीं है, मतलब इसमें एक्स नहीं पता, ये ओ पी नहीं पता, तो सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, पहली चीज़, तो इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर एक मान लिया। अभी हमने कौन सा ट्राइंगल लिया था, ये वाला और ये वाला। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला और ये वाला, ये भी तो सिमिलर है। देखो ये थीटा, ये थीटा, ये बी, ये बी, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, ट्राइंगल पी ओ एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी ओ एस, किसके बराबर हो जाएगा मेरा, क्यू, ट्राइंगल क्यू ओ आर के, पी ओ एस सिमिलर हो जाएगा क्यू ओ आर के। ठीक है, तो पी ओ एस मतलब कितना हो गया, इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा के सामने ओ एस डिवाइड बाय, यहाँ पर थीटा के सामने ओ आर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी के सामने क्या हो जाएगा, ओ पी, बी के सामने ओ पी हो गया, और यहाँ पर बी के सामने कितना हो गया, ओ क्यू, बराबर वर्टिकल अपोजिट एंगल के सामने पी एस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्यू आर। क्या मुझे ओ एस की लेंथ पता है, ओ एस पता है मुझे, एक्स है, अपॉन ओ आर नहीं पता मुझे। ठीक है, इज इक्वल टू ओ पी पता है क्या मुझे, ओ पी कितना है मेरे पास, ओ पी नहीं पता। ओ क्यू कितना है अपने पास, ओ क्यू एक्स है, बराबर पी एस कितना है मेरे पास, पी एस तो निकालना है मुझे, क्यू आर कितना है मेरे पास, 12.8 है, इक्वेशन नंबर दो। ठीक है, अब आप देखो इक्वेशन नंबर एक और दो को कंपेयर कराओ, तो यहाँ पर ओ अप एक्स अपॉन ओ आर है, यहाँ पर भी एक्स अपॉन ओ आर है, यहाँ पर ओ पी अपॉन ओ एक्स है, यहाँ पर भी ओ पी अपॉन ओ एक्स है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ से क्या, कि 14.4 अपॉन 9.6 बराबर कितना, पी एस अपॉन में 12.8। ठीक है, तो पी एस कितना हो जाएगा मेरा, 14.4 इंटू 12.8 डिवाइड बाय कितना, 9.6। तो डेसिमल से डेसिमल काट देते हैं, डेसिमल से डेसिमल काट देते हैं, 24 से काट देंगे कितने बार, 24 से कट जाएगा 4 बार और ये जाएगा 6 बार। ठीक है, और चार से तीन से दो से काट देते हैं 3 बार, दो से काट देते हैं 2 बार, दो से कट जाएगा कितने बार, दो से जाएगा 6 बार, 6.4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, पी एस बराबर आ जाएगा 19.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सवाल का क्या हो गया आंसर। आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है इस सवाल को, मैं आपको वो बता देता हूँ। एग्ज़ाम में इस सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, मैं जब भी सवाल में देखता हूँ यही रिजल्ट आता है, तो मैं देखता हूँ कि क्या हो जाएगा अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें अगर इस तरीके का सवाल आता है कभी कि एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ये अपना पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है, और ये अपने पास कितना है 14.4, और ये कितना है 12.8, और ये कितना है 9.6, और ये हमें पूछा गया। तो याद रखना कि अपोजिट साइड का रेशियो हमेशा क्या होता है, बराबर। या तो ऐसे याद रख लो
कि आपको जब साइड का रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, या फिर ऐसे याद रख लो कि सेम वर्टेक्स वाले दोनों का मल्टीप्लाई आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब आप ये लिख सकते हो यहाँ पर 14.4 इंटू 12.8 बराबर 9.6 इंटू पी एस, और देख लो यही आ रहा था, इसको आप सॉल्व कर लो तो यहाँ से पी एस आपको कितना मिल जाएगा, पी एस मिल जाएगा 19.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इस तरीके से सवाल को एग्ज़ाम में जल्दी कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिक भी आपको आने चाहिए हर एक सवाल के, और आपको उस सवाल को एग्ज़ाम में किस तरीके से करना है वो भी आना चाहिए। तो ये 10 बेस्ट क्वेश्चन थे ज्योमेट्री के जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। आई होप आपको पसंद आया होगा लेक्चर, और आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।